वे अपनी सिंह गर्जना जैसी वाणी द्वारा बड़ा सेठ हो या राजा सभी को निडर होकर सत्य कह देते हैं। वे किसी को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं कहते। वे जगत के मान सम्मान ख्याति लाभ पूजा आदि से बिल्कुल निष्प्रह उदासीन रहकर केवल आत्मलक्षी जीवन जीते हैं। अब विक्रम संवत 1985 यानी सन 1929 के प्रसंगों का अवलोकन करें। लाठी में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी विरचित रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ने में आती है। उसे पढ़ते पढ़ते इतना रस आता है कि रात्रि में चंद्रमा की चांदनी के उजाले में भी पढ़ते हैं। यहाँ एक साधु गाता है, लग रहा है तेरे नयनों में राम रस। उसी आधार से अध्यात्म रसिक कांजी स्वामी एक पंक्ति रखते हैं, लग रहा है अंतर्ज्ञान नेत्र में चैतन्य रस। तदुपरांत वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पर आई जाने रे। इस पंक्ति के ऊपर से आत्म प्रेमी रचते हैं, जैनी जन तो तेने रे कहिए जे आत्मानी संभाल राखे। अहो कैसा चैतन्य का रंग। पोष माह की बोटात की बात है। यहाँ उनके प्रवचन अत्यंत प्रभावशाली होने से लोग कहते हैं कांजी महाराज के चारों ओर केवल ज्ञान चक्कर काटता है। भाई हमारी चारों ओर केवल ज्ञान चक्कर नहीं काटता, परंतु अब केवल ज्ञान प्राप्त करने में कोई देर नहीं है, ऐसा समझना। इसके अलावा लोग ऐसा भी कहते हैं, कांजी अर्थात कान पकड़वाओ। एक बार सभा में प्रवचन देते समय कांजी स्वामी सिंहनाद करते हैं, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है वो भाव भी धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म से बंध नहीं होता और जिससे बंध हो वो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए जिस भाव से बंध होता है वो धर्म नहीं है। निश्चय से कहें तो वो भाव अधर्म है। एक दूसरी बात ये कहते हैं, पंच महाव्रत का भाव आश्रव है। अहो तीर्थंकर द्रव्य के अलावा ऐसी बात कहने का सामर्थ्य और किसमें हो सकता है। ये बात सुनने में आने पर एक साधु से सहन नहीं होती है, अतः वो सरे अर्थात यह अभिप्राय हमें स्वीकार्य नहीं, ऐसा कहते कहते बाहर चले जाते हैं। परंतु शेष सभा तो पूर्ण शांति पूर्वक उनकी तर्क संगत बात सुनती रहती है। लोगों को उनके प्रति बहुत प्रेम है ना, इसलिए वे जो कुछ कहते वह बात लोग शांति से सुनते। वडवाण में वीरजी भाई वारिया से चर्चा होती है। वे एक छोटा सा किंतु अत्यंत सूक्ष्म सिद्धांत कहते हैं, एक समय की ज्ञान पर्याय अपने द्रव्य गुण पर्याय और तीन काल तीन लोक को जान लेती है, इसलिए एक ज्ञान पर्याय का अस्तित्व ही सबको सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। मोहनलाल जी नामक एक साधु ने मोहनमाला नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक के बारे में उनसे वडवाण में चर्चा होती है। उसमें ऐसा लिखा था, अभव्य को ज्ञान के तीन आवरण ही होते हैं, मन पर्य ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय प्रकृति उसे नहीं होती, क्योंकि उसे मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान होता ही नहीं है। तत्व निष्णात कांजी स्वामी ने कहा, ये क्या लिखा है, अभव्य का जीव भी केवल ज्ञान स्वभावी है, इसलिए उसे भी पांचों ज्ञान का आवरण होता है। उसे केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा ये दूसरी बात है, परंतु उसे है तो पांचों आवरण। अहो कैसा न्याय संगत तर्क। तब अन्य साधु मोहनलाल जी से कहते हैं, कांजी मुनि क्या कहते हैं वह सुनो, क्योंकि लोग उनकी बात मानेंगे तुम्हारी नहीं। कांजी स्वामी की जीवन गाथा में विक्रम संवत 1986 का वर्ष देखते हैं। ढसा के उपाश्रय में पाठ के पास एक अलमारी में पोथी के आकार में छपा हुआ मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखा है। वे पूछते हैं, ये शास्त्र कौन रख गया है। उत्तर मिलता है, महाराज मालूम नहीं, बाद में ये शास्त्र बहुत पसंद होने के कारण साथ ले लेते हैं। इसी वर्ष भावनगर में आगमन होता है। वहां बहन श्री चंपा बहन उनका प्रवचन सुनकर फिर घर जाकर ज्यों का त्यों याद करके लिखती हैं। एक बार उनके घर आहार लेने के लिए जाते हैं, तब बहन श्री को देखते ही कहते हैं, ये कोई अलौकिक व्यक्ति है, ज्ञान कला किसे नहीं परख सकती। इस वर्ष का चातुर्मास अमरेली में होता है। उस समय प्रवचन में अति सूक्ष्म बात आती है। यहाँ के प्रमुख रामजी भाई कामाणी कहे, महाराज
ऐसी सूक्ष्म बात हम नहीं पचा सकते, ऐसी बात पचाना कठिन लगता है। सही उदाहरण सहित उत्तर मिलता है। भाई, हर रोज रोटी खाते हो और यदि किसी दिन कोई मिष्ठान परोसे तो क्या ऐसे कहोगे कि हम पचा नहीं सकते? क्या ऐसा कहकर मिष्ठान को मना कर देते हो? तो फिर ये बात नहीं बचेगी, ऐसा क्यों कहते हो? कैसा सीधा हृदय में उतर जाए ऐसा उत्तर। यहां अनुयोग द्वार पर चर्चा होती है। उस समय वे दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, मति श्रुत ज्ञानी अमुक बात ना जान सके ऐसा है ही नहीं। हां, केवली सबको प्रत्यक्ष जाने और मति श्रुत ज्ञानी परोक्ष जाने। इस प्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, परंतु वो जाने सब। वे ढीली बात स्वीकार ही करते नहीं हैं। सन 1930 में अमरेली में चातुर्मास पूरा करके विक्रम संवत 1987 के मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा के दिन चितल गांव में आगमन होता है। उस दिन दुकान के भागीदार कुंवर जी भाई के पुत्र की सगाई की जाती है। उस संबंध में कोई प्रश्न करता है, महाराज ये सगाई हुई है तो इन दोनों का पूर्व भाव में कोई संबंध होगा? उत्तर, नहीं। एक जीव थोर यानी एक प्रकार की वनस्पति में से ही आया हो और दूसरा जीव बबूल में से आया हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अभी संबंध में आए हुए जीवों का पूर्व में संबंध हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। विक्रम संवत 1987 यानी सन 1931 अर्थात 42 वर्ष की उम्र से उनके मन में विचार उठने लगते हैं कि अब संप्रदाय परिवर्तन करना है। उनको अंतर में विश्वास हो चुका है कि दिगंबर जैन धर्म ही मूल मार्ग है और सच्चा धर्म है। इसलिए अंतरंग में श्रद्धा कुछ और हो तथा बाहर में वेश कुछ और हो, ऐसी स्थिति उन्हें खूब खटकती है। तथा इस वेश में रहकर धर्म का सच्चा स्वरूप खुलकर नहीं कहा जा सकता, ये बात भी अंतर में चुभती है। अतः विंछिया में अपने बड़े भाई खुशाल भाई से कि जिन्होंने दीक्षा लेने की मंजूरी दी थी, उससे संप्रदाय परिवर्तन करने की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं, भाई ये मार्ग सच्चा नहीं है, मैं अब संप्रदाय में रहूंगा नहीं, ये दीक्षा मिथ्या है, ये सच्चा साधुपना नहीं है। खुशाल भाई को अपने छोटे भाई कांजी स्वामी के प्रति बेहद प्रेम है, इसलिए वे उनका समर्थन करते हुए कहते हैं, भाई ये मार्ग मिथ्या हो तो अपने को इसमें नहीं रहना, धीरे धीरे छोड़ देना। इसी वर्ष पोरबंदर में एक भाई कहते हैं, झूठ बोलने से जीभ कटे तो मैं मानूं कि झूठ बोलने में पाप है। उत्तर देते हुए कांजी स्वामी कहते हैं, भाई जीभ तो पुद्गल की पर्याय है और झूठ बोलने का भाव जीभ की पर्याय है, इसलिए झूठ बोलने से जीभ कट ही जाए ऐसा कैसे बने? हां, झूठ बोलने के भाव से जीव की शांति कटती है, इसलिए वो पाप है। जैसा भाव करें वैसा उसका फल बाहर में तुरंत ही मिले, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक बार एक भाई ने कहा, मूर्छा परिग्रह है। ये बात तो सही है, परंतु वस्त्र कहां परिग्रह है? उनको वस्त्र सहित मुनिपना मानना था, इसलिए इस प्रकार से कहते हैं। सत्य का उद्घाटन करते हुए कांजी स्वामी ने कहा, भाई वस्त्र लेने का रखने का भाव ही मूर्छा है, इसलिए जहां वस्त्र ग्रहण का भाव है वहां मुनिपना होता ही नहीं। अन्य व्यक्ति ने कहा, सभी की एकता करो अर्थात सभी संप्रदायों को एक करो। समाधानकारी उत्तर मिलता है, भाई मेंढकों को साधकर घी नहीं तोला जा सकता। ऐसे विचारों की एकता बिना क्रिया की एकता नहीं होती, कोई माने या ना माने सत्य तो सत्य ही रहता है। विक्रम संवत 1988 यानी सन 1932 पोरबंदर। प्रवचन में उदाहरण देते हुए फरमाते हैं, पांचों पांडव द्रौपदी को वापस लाने के लिए और राजा से युद्ध के लिए जब जाते हैं तब कहते हैं कि या तो वो जीतेगा या हम जीतेंगे, ऐसा कहकर जाते हैं, परंतु हार कर वापस आते हैं क्योंकि वो जीतेगा ऐसा कहा वो शुरुआत ही गलत थी। उसी प्रकार इन पांच इंद्रियों से राग को नहीं जीता जा सकता। पुरुषार्थ की शुरुआत ही ढीली या विपरीत हो तो कार्य सिद्धि कहां से होगी? इसी वर्ष जयचंद भाई के साथ चर्चा होती है। वे कहते हैं, देखो श्री प्रवचनसार की गाथा 231 में ऐसा कहते हैं कि अक्रम से शरीर का त्याग कर। उत्तर, भाई ये क्रमबद्ध ही है, उसके क्रम में ही शरीर का त्याग होता है। वहां अक्रम का अर्थ ये है कि हट करके
पुरुषार्थ करके। एक बार स्वयं कहते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान ये सभी एक ही हैं। जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न होता है, लेकिन शास्त्र में ये तीन कहे हैं तो उनमें अंतर है ना? सुंदर सर्वांग समाधान करते हुए कांजी स्वामी कहते हैं, ये है तो एक ही, लेकिन कथन पद्धति में तीन भेद पड़ते हैं, अर्थात चारित्र गुण की एक ही पर्याय के तीन नाम हैं। इस वर्ष का चातुर्मास जामनगर में करते हैं। बहुत से लोग काल द्रव्य को उपचार मानते हैं, उस संबंध में वे स्पष्टीकरण करते हैं। जिसने काल द्रव्य को नहीं माना उसे स्वकाल रूप निर्मल परिणमन ही नहीं होता। काल द्रव्य परिणमन में निमित है ना, इसलिए ऐसा कहते हैं। आहो, क्या सिद्धांत में किसी भी प्रकार का अपवाद होता है? मैं एक स्वतंत्र स्वाधीन पदार्थ हूं, मेरा कार्य करने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे समान विश्व के सभी पदार्थ भी स्वतंत्र हैं। ऐसी विश्व स्वतंत्र की बात उनके अंतर में समा गई है और प्रवचन में भी बार बार फरमाते हैं। जामनगर के इस चातुर्मास के समय पंडित हिम्मत भाई शाह प्रश्न करते हैं, महाराज साहब, दो जीवों को 148 कर्म प्रकृतियों संबंधी सर्व भेद प्रभेदों के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध सभी एक समान हों तो उस समय वे जीव समान भाव करेंगे या भिन्न भिन्न प्रकार के? उत्तर मिलता है, भिन्न भिन्न प्रकार के। पूरक प्रश्न होता है, दोनों जीवों की शक्ति तो पूर्ण है और आवरण भी एक समान है, तो फिर भिन्न भिन्न प्रकार के भाव कैसे कर सकते हैं? तत्काल ही दृढ़ता से उत्तर मिलता है, पारिणामिक द्रव्य अकारण है। सन 1933 अर्थात संबत 1989 मक्सिर शुक्ला दसवीं को जामनगर के समीप चेला गांव में एक स्वप्न आता है। उसमें ऐसा आता है कि एक बड़ी हुंडी मिलती है, लेकिन वो हुंडी इस दुकान में अर्थात वे जिस संप्रदाय में है उसमें नहीं पट सकती। उसके लिए तो साहूकार की दुकान अर्थात वीतराग मार्ग के संत खोजने पड़ेंगे। इस स्वप्न के बाद दो वर्ष के अल्प समय में वे परिवर्तन करते हैं। स्वप्न भी भविष्य के सूचक होते हैं ना? जैसे जैसे दिगंबर शास्त्र मिलते हैं और उनका गहन अभ्यास होता है, वैसे वैसे सत्य शोधक कांजी स्वामी के अंतर में सत्य वस्तु स्वरूप क्या है वो समझ में आने लगता है। सच्चे मोक्ष मार्ग का ख्याल आता है, जिससे उनके उस समय के प्रवचनों में ऐसे अद्भुत अलौकिक अपूर्व एवं आध्यात्मिक सिद्धांत न्याय स्फुरित होते हैं जो कभी कहीं और सुनने में ना आया हो। वे किसी भी शास्त्र पर प्रवचन करें तो भी अन्य प्रवचनकारों से अलग प्रकार के सिद्धांत निकालते हैं। संप्रदाय में जिस बात की गंध भी नहीं है, ऐसी स्पष्ट सैद्धांतिक बात सुनकर अन्य साधु और श्रोतागण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जड़ और चेतन भिन्न भिन्न हैं, शुभ राग से वीतरागता की जाति अलग है। प्रत्येक पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायमय है, अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वानुभूति ही प्रकट करने योग्य है। शुभ भाव भी बंध का कारण है, वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग रूप है एवं कल्याण मूर्ति और भवनाशक सम्यक दर्शन की महिमा अपूर्व है। इस प्रकार हजारों दिगंबर जैन सिद्धांत अंतर में स्पष्ट होते हैं और प्रवचन में भी निरंतर यथार्थ प्रतिपादन होने लगता है। संप्रदाय के लोगों की मान्यता ऐसी है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि तो है ही और थोड़े व्रतादि पालते हैं, इसलिए श्रावक भी हैं। इस मान्यता के विरुद्ध सम्यक दर्शन पर अत्यंत वजन देते हुए कांजी स्वामी मेघ गर्जना समान वाणी द्वारा फरमाते हैं, समकित महादुर्लभ वस्तु है। इस जीव ने अनंत बार हजारों रानियां छोड़कर बाह्य मुनि व्रत पालन किया है और शरीर की चमड़ी उतारकर कोई नमक छिड़के तो भी आंख का कोना लाल ना हो ऐसी क्षमा धारण की है, परंतु एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है। लाखों करोड़ों जीवों में किसी विरले को ही सम्यक दर्शन होता है। समकित कोई निराली ही चीज है, इसके बिना सभी बाह्य शारीरिक और मानसिक क्रियाएं इकाई रहित शून्य के समान हैं। सम्यक दर्शन रत्न बहुमूल्य है, इसकी प्राप्ति होने पर कल्याण हुए बिना नहीं रहता। यदि कदाचित सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो लेकिन उसकी तथा सम्यक दृष्टि की महिमा आई तो भी बहुत लाभ होगा।